हाँ मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, अपन बात करें किसकी? कोशिका की। तो देखो, अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? देखो, अपन पढ़ रहे थे कोशिका। क्या पढ़ रहे थे अपन? कोशिका। देखो, कोशिका में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया और प्लास्टिड पढ़ लिया। अब आगे देखो, अगला कोशिका देखो, अगला कोशिका पढ़ेंगे अपन कौन सा पढ़ेंगे? कौन सा पढ़ेंगे? ईआर को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंत पर्दवी जालीदार। क्या पढ़ेंगे? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप बनेंगे आज अपन ईआर, अंतःपर्दीय जालिका। ठीक है, देखो इसके बाद करते हैं, इसमें क्या होता है? देखो पहले इसकी खोज की बात करते हैं। इसकी खोज किसने की थी? अरे किसने की थी? पोर्टर ने। किसने की थी? पोर्टर ने। ईआर की खोज किसने की थी? पोर्टर ने। देखो दोस्तों, अपन बात करें कोशिकांग की, अपन ने दो कोशिकांग कंप्लीट कर लिए, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड। ठीक है, ये दोनों कैसे होते हैं? अर्धस्वायत्त कोशिकांग। ठीक है, इनमें क्या होता है? खुद का तो डीएनए होता है, और खुद का ही क्या होता है? राइबोसोम। ठीक है, आज अपन अलग प्लास्टिड पढ़ रहे हैं, कौन सा? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंतःपर्दीय जालिका। इसकी खोज किसने की थी? पोर्टर ने। अरे किसने की थी? पोर्टर ने। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। देखो ये एकमात्र ऐसा कोशिकांग होता है जो डायरेक्ट केंद्रक झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कैसा कोशिकांग होता है ये? डायरेक्ट केंद्रक झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन आएगा कि एकमात्र ऐसा कोशिकांग जो केंद्रक झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दीय जालिका। तो लिखो, यह एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो केंद्रक झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, देखो दोबारा से, ईआर की खोज किसने की थी? पोर्टर ने। इस ईआर का पूरा नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दीय जालिका। ठीक है, फिर बात करते हैं, इसकी खोज किसने की थी? पोर्टर ने। अरे किसने की थी? पोर्टर ने। किसने की थी? पोर्टर ने। फिर बात करते हैं कि यह एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो केंद्रक झिल्ली से सीधा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसको देखो एक बार, फिर इसका चित्र बना दें। देखो अब आपको बताइए कि ये कितनी झिल्ली वाला होता है? बताया था ना मैंने, कितनी झिल्ली वाला होता है? एक झिल्ली वाला। देखो
देव अपन कौन सी झिल्ली की बात, कौन सी झिल्ली की एक बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो इसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, लाल दिखेगा नहीं आप ब्लैक से कर लो, देखो ये छोटे छोटे क्या होते हैं, इसमें प्रोटीन बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। ये सूक्ष्म नलिकाओं पर क्या होता है, ये जाल, इन जाल के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन के छोटे छोटे कण क्या होते हैं, बिखरे होते हैं। अरे दोस्तों क्या होता है, बिखरे हुए होते हैं। देखो अपन कौन सा कोशिका में पढ़ रहे हैं, अरे कौन सा पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोज किसने की थी, पोर्टर ने। अरे किसने की थी, पोर्टर ने। ये कैसा होता है, एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो केंद्रक झिल्ली द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जो क्या होता है, केंद्रक झिल्ली द्वारा जुड़ा हुआ होता है। फिर बात करते हैं, देखो ये होती है इसकी आउटर लेयर, आउटर लेयर। ये क्या होती है, इनर लेयर। देखो ये क्या होता है, केंद्रक, ठीक है। देखो देखो इसके जो छोटे छोटे क्या होते हैं, सूक्ष्म नलिकाओं के क्या होते हैं, ये जाल, ठीक है। इन जालों के ऊपर क्या होते हैं, ये प्रोटीन बिखरे होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, प्रोटीन बिखरे हुए, प्रोटीन के कण, प्रोटीन के कण बिखरे हुए होते हैं। देखो दोबारा देखो, अपन कौन सा क्वेश्चन आंख पढ़ रहे हैं, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो इसकी बात करते हैं, ये इसकी खोज किसने की थी, पोर्टर ने। किसने की थी, पोर्टर ने। ये एकमात्र ऐसा कोशिकांग होता है जो केंद्रक झिल्ली द्वारा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। फिर इसकी संरचना देखो, इसकी संरचना देखो, ये सूक्ष्म नलिकाओं का क्या होता है, छोटे छोटे जाल, ठीक है। इन जालों के ऊपर क्या होते हैं, प्रोटीन के कण बिखरे हुए होते हैं। तो देखो ईआर दो प्रकार का होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। एक तो होता है चिकनी अंतर परदेवी जालिका, दूसरा होता है खुरदरा अंतर परदेवी जालिका। तो आपको पूछे इन दोनों में कौन सा है। अब देखो इसके ऊपर क्या होते हैं, प्रोटीन बिखरे हुए होते हैं, तो ये कैसा होता है, ये आर ई आर होता है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। देखो इन सूक्ष्म नलिकाओं के ऊपर क्या होते हैं, प्रोटीन के कण क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन के कण क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। इसको देखो एक बार, ठीक है। अब लिखो इसमें, देखो ईआर क्या काम आता है, देखो ये काम आता है, ये देखो अंतर कोशिकीय पर्यन में सहायता करता है, ठीक है। अंतर कोशिकीय पर्यन में क्या करता है, ये सहायता। फिर दूसरा ये यह है कोशिका, यह कोशिका के कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, ठीक है। देखो यह कोशिका को क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यांत्रिक सहारा आप बोले तो यह कोशिका को मरने नहीं देता, ठीक है। कोशिका को मरने कौन नहीं देती, अंतर परदेवी जालिका। देखो बात करते हैं पर कौन सा कोशिका पढ़ रहे हैं, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर परदेवी जालिका। इसकी खोज किसने की थी, पोर्टर ने। अरे किसने की थी, पोर्टर ने। किसने की थी, पोर्टर ने।
देखो ये कैसा होता है, एकमात्र ऐसा कोशिकांग होता है जो केंद्रक झिल्ली से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? केंद्रक झिल्ली से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। फिर अपन ने इसकी क्या पढ़ी, संरचना। ठीक है, संरचना में देखो जो इसके सूक्ष्म नलिकाओं के क्या होता है, एक जाल होता है। उस जाल के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन बिखरे होते हैं। क्या होता है, प्रोटीन बिखरे होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं, देखो ये क्या कार्य करता है, यह अंतःकोशीय परिवहन में क्या करता है, सहायता। कौन करता है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर बात करते हैं, ये कोशिकाओं को क्या करता है, यांत्रिक सहायता या फिर यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ठीक है, यांत्रिक सहारा बोले तो ये कोशिका को मरने नहीं देता है। ठीक है, इसको देखो एक बार, फिर आगे चलते हैं। अब देखो अंतःपरजीवी जालिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। अरे कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। अंतःपरजीवी जालिका दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एस ई आर, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, आर ई आर। ठीक है, देखो इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। इसका पूरा नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लो, इसको बोलते हैं चिकनी अंतःपरजीवी जालिका। ठीक है, चिकनी अंतःपरजीवी जालिका, और इसका हिंदी में नाम खुरदरी अंतःपरजीवी जालिका। ठीक है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। अरे कितने प्रकार की, दो प्रकार की। पहला कौन सा, एससीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको बोलते हैं चिकनी अंतःपरजीवी जालिका, और इसको बोलते हैं खुरदरी अंतःपरजीवी जालिका। ठीक है, देखो ये क्या कार्य करती है, देखो ये क्या कार्य करती है, ये वसा का संग्रहण करती है। ठीक है, क्या करती है, ये वसा का संग्रहण करती है, लिपिड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिपिड। देखो वसा मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बोले तो जैसे कि घी, घी क्या होता है, एक चिकना ही तो होता है वो, तो वो किसमें आता है, जैसे वसा होती है वो घी भी एक तरह से, तो क्या हो गया, वसा का संग्रहण कौन करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर बात करते हैं ये क्या करती है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ठीक है, क्या करती है, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं, प्रोटीन का संग्रहण करती है। ठीक है, देखो अपन बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहली कौन सी, एसीआर, दूसरी कौन सी, आरईआर। देखो एसीआर क्या कार्य करती है, वसा का संग्रहण, फिर खुरदरी क्या करती है, प्रोटीन का संग्रहण। देखो इसमें ये भी लिख सकते हैं, ये वसा का क्या करती है, वसा का उपापचय को नियंत्रण। ठीक है, वसा का उपापचयन को क्या करती है, नियंत्रण। देखो उपापचयन क्या, अपने शरीर में जो भी क्रिया होती है ना, वो क्या होती है, उपापचय। कौन सी वसा को लेना है, कौन सी वसा को बाहर निकालना है, उसका कार्य भी कौन करती है, एसीआर एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या करती है, ये केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण। ठीक है, आपको पूछे कि केंद्रक झिल्ली का निर्माण कौन सी अंतःपरजीवी जालिका करती है, खुरदरी। कौन सी करती है, खुरदरी। ठीक है, और वसा का संग्रहण और वसा को उपापचयन को कौन करती है, एसीआर। कौन करती है, एसीआर। और प्रोटीन का संग्रहण कौन करती है, खुरदरी। कौन करती है, खुरदरी। देखो अभी मैंने सूक्ष्म नलिकाओं का जाल बनाया था, उसके ऊपर क्या होते हैं, प्रोटीन बिखरे होते हैं। अब बताओ कौन सी अंतःपरजीवी जालिका थी, आरईआर। कौन सी थी वो, आरईआर, क्योंकि उसके ऊपर क्या होते थे, प्रोटीन बिखरे होते हैं। ठीक है, इसको देखो एक बार।
ठीक है। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रॉसिंग आर्म खत्म हो गया। दोस्तों आप मेरे को डेली फॉलो करो, मेरा वादा, अगर एक भी क्वेश्चन अगर मेरी इस वीडियो से, मेरी साइंस जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर चला जाए ना तो मेरे को बोलना। लेकिन है कि मेरे साथ चलो, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैं वीडियो डालता हूँ उसको हाथों हाथ लिखो, ठीक है। नोट्स तैयार करो एकदम शानदार वाले, और ऐसे नोट्स तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है आपको। बताइए बहुत सारे सिस्टम चल गए, मैं आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप चेक कर सकते हो कहीं भी, है ना। ये ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एकदम साइंस का रायता बना के लाया हूँ मैं, रायता। क्या बना के लाया हूँ? रायता, बस आपको घोल के पिलाना ही है, ठीक है। तो आप पियोगे कब? मेरे साथ साथ चलोगे तब, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो अपन ने अभी क्या पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? पोर्टर ने। किसने की थी? पोर्टर ने। एकमात्र ऐसा कोशिकांग जो केंद्रीय झिल्ली से जुड़ा होता है कौन सा होता है? अरे कौन सा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर बात की अपन ने, देखो ये क्या करता है, अंतःकोशीय अंतःकोशिकीय परिवहन में क्या करता है? सहायता करता है। ये कोशिका को सहारा प्रदान करता है, ठीक है, उसको मरने नहीं देता। ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली कौन सी? एसीआर। दूसरी कौन सी? आरईआर, ठीक है। वसा का उपापचय और वसा का संग्रहण कौन करती है? एसीआर। प्रोटीन का संग्रहण तथा केंद्रीय झिल्ली का निर्माण कौन करती है? आरईआर, ठीक है। यहां तक इसका ग्रैंड। अब अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कौन सा? गोल्जी गाय। कौन सा पढ़ेंगे? गोल्जी गाय। गोल्जी गाय, ठीक है। इसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। देखो देखो अब मैं बात करता हूं इसकी खोज की, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? तो देखो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। याद करने में आसानी है। देखो नाम ही गोल्जी का है, देखो खुद के नाम पर ही निकाला था। ये साइंटिस्ट था, इसका नाम भी क्या था? कैमिलो गोल्जी। इसके नाम के ऊपर ही क्या निकाल दिया? गोल्जी का है, ठीक है। गोल्जी का खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। फिर बात करते हैं, मैं इसमें शायद डाल लेता हूं, देखो फिर बात करते हैं आगे। देखो जो पादप कोशिकाएं होती है, पादप कोशिकाओं में देखो जो गोल्जिकाएं क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं? गोल्जिकाएं बहुत छोटे छोटे होते हैं। देखो जिन्हें क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। पादप कोशिकाओं में गोल्जिकाएं छोटे छोटे होते हैं, उन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। स्टार लगा देना इसके, लिखो पादप कोशिकाओं में गोल्जिकाएं छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि पादप कोशिकाओं में छोटे छोटे गोल्जिकाएं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। अरे क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। देखो आगे फिर बात करता हूं, देखो गोल्जिकाएं का निर्माण तीन प्रकार की संरचनाओं से होता है। एक संरचना होती है सिस्टेनी, दूसरी होती है वेसिकल, तीसरी होती है ट्रिबुल्स, ठीक है। ये तीनों से क्या होती है? इनकी गोल्जिकाएं की संरचना का निर्माण होता है, ठीक है। जिन्हें
उस संरचना को फिर क्या बोलते हैं, पीलियोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं, पीलियोमॉर्फिक। और क्या बोलते हैं, पीलियोमॉर्फिक, जिसे हिंदी में कहा जाता है बहुआकारिकीय। ठीक है, देखो बोल जी का श्रेष्ठनी वेसिकल, ठीक है, गोल्जी गाय श्रेष्ठनी वेसिकल और ट्रिबुल्स, देखो गोल्जी गाय श्रेष्ठनी वेसिकल व ट्रिबुल्स, सही निर्मित होता है। ठीक है, गोल्जी गाय सिस्टनी वेसिकल ट्रिबुल से निर्मित होता है, जिन्हें पीलियोमॉर्फिक, जिन्हें पीलियोमॉर्फिक या हिंदी में बोलते हैं बहुआकारिकी। बहुआकारिकीय कोशिकांग कहा जाता है। देखो अब क्वेश्चन आता है, पीलियोमॉर्फिक या बहुआकारिकीय कोशिकांग किसे कहा जाता है, गोल्जी गाय को। किसे कहा जाता है, गोल्जी गाय को। देखो बात करते हैं गोल्जी गाय की। गोल्जी गाय की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। फिर पादप कोशिका में गोल्जी गाय क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। उन छोटे छोटे गोल्जी गाय को क्या नाम देते हैं, डिक्टियोसोम। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। देखो जो गोल्जी गाय की संरचना होती है वो किन किन से मिलकर बनी होती है, श्रेष्ठनी वेसिकल ट्रिबुल से निर्मित होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, पीलियोमॉर्फिक बहुआकारिकी कोशिकांग। क्या कहा जाता है, बहुआकारिकी कोशिकांग। ठीक है, इसको देखो एक बार, फिर गोल्जी गाय की संरचना बनाते हैं अपन। देखो आधे को बोल जी गाय की संरचना, देखो इस वाली बात को बोलते हैं श्रेष्ठनी। ठीक है, देखो इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे होते हैं,
गोली में मुसरकना। सभी के ऊपर होती है। इन्हें क्या बोलते हैं? वेसिकल। वेसिकल देखो यहां छोटी छोटी प्लेटें होती है, इन प्लेटों को क्या बोलते हैं? ट्रिबुल्स। ठीक है, देखो ये संरचना किसकी है? गोल्जी का है। देखो इसका एक भाग होता है किसका, किसकी तरह? सिस की तरह। एक भाग होता है किसकी तरह? ट्रांस की तरह। देखो सिस और ट्रांस आपने केमिस्ट्री भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हुए हो तो मैं बता दूंगा। देखो यही देख लो, देखो सिस और ट्रांस किसे कहते हैं? देखो मान लो मैं इसको आधा काटू, इसको ऐसा आधा काटू, काट लिया। अब इस कटे हुए भाग को मैं इसी के ऊपर रखू तो उसके ऊपर समायोजित हो जाते हैं ना, हो जाते ना, उसी बात उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? समावयता, या इसके ऊपर क्या हो गए? समावयव। ठीक है, इसको बोलते हैं सिस और ट्रांस। देखो बात करते हैं, देखो जो ये गोली नुमा संरचना होती है उसको बोलते हैं वेसिकल, और जो ये जो इनके ऊपर लहरें होती है उनको क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। और जो प्लेटें रखी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रिबुल्स। क्या बोलते हैं? ट्रिबुल्स। ठीक है, इसका एक भाग सिस की तरह, दूसरा भाग ट्रांस की तरह कार्य करता है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्रिबुल्स से क्या होती है? इनकी संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, एक भाग सिस की तरह, एक दूसरा भाग ट्रांस की तरह कार्य करता है। इसको उतारो एक बार, देखो एक बार, लिख लो। गाल जी का आएगा एक भाग शीश की तरह, तथा दूसरा भाग ट्रांस की तरह तरह कार्य करता है। ठीक है, गाल जिगाई का एक भाग शीश की तरह, दूसरा भाग किसकी तरह कार्य करता है? ट्रांस की तरह। ठीक है, देखो इसमें ये दोनों सिस्टम होते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं एक तरह से समायोजित होना, और उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं ध्रुवणता। क्या बोलते हैं? ध्रुवणता, पॉलीमराइजेशन। देखो इसलिए इसमें किसमें? गोलजिकाई में। इसलिए गोलजिकाई में ध्रुवणता पाई जाती है। ठीक है, जिसमें सिस और ट्रांस होते हैं वो एक तरह से क्या हो जाती है? ध्रुवणता। ठीक है, तो ये गोलजिकाई में सिस और ट्रांस की तरह कार्य होते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें क्या पाई जाएगी? ध्रुवणता। ठीक है, गोलजिकाई में क्या पाई जाती है? ध्रुवणता। ठीक है, इसको देखो एक बार और फिर आगे लिखते हैं। अब इसके कार्य देखो, ठीक है, गोलजिकाई के कार्य देखो, गोलजिकाई क्या कार्य करता है? देखो जो कोशिका का, आपको पूछी कि कोशिका का सहायकर्मी किसे कहा जाता है? गोलजिकाई। ठीक है, देखो ये कोशिका का, देखो कोशिका में इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? जिससे क्रिएशन करता है। ठीक है, स्त्रवण करता है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे कोई भी जो भी अकार्बनिक पदार्थ अपने शरीर में चले जाते हैं तो उसका क्या करता है? सीक्रेट, मतलब उसको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें लिखो यह है
इसका प्रमुख कार्य स्त्रवण करना है, ठीक है। स्त्रवण बोले तो सिक्रेट करना, ठीक है। दूसरा कार्य देखो, जो वसा प्रोटीन और वसा की पैकिंग भी कौन करता है? गालजीकाय। कौन करता है? गालजीकाय। देखो पैकिंग बोले तो देखो, जो अपने शरीर में जो प्रोटीन होती है, वसा होती है, ठीक है, उसको एक जगह इकट्ठा करके रखती है, ठीक है, ताकि ये बिखरे नहीं, ठीक है, बिखर बिखर के बाहर नहीं निकले, इसलिए उसको पैक करके रखती है। इसलिए बोलते हैं कि प्रोटीन और वसा का पैकिंग कौन करती है? गालजीकाय। अरे कौन करती है? गालजीकाय। यह प्रोटीन तथा वसा का या वसा को पैकिंग करती है, ठीक है। यह प्रोटीन तथा वसा को क्या करती है? पैकिंग करती है। अब देखो जो ये सेल होती है, सेल के अंदर देखो जल भी आता है, प्रोटीन भी आती है, लवण भी आते हैं, ठीक है, बहुत सारे पदार्थ आते हैं। तो देखो उनमें से देखो ये क्या करती है, जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन प्रोटीन को आने के लिए क्या करती है? रास्ता तैयार करती है, प्रोटीन को जल्दी से अंदर लेती है ताकि प्रोटीन अंदर आए, और उसके लिए क्या करती है? ये रास्ता तैयार करती है। तो इसमें लिख लो, यह प्रोटीन के लिए रास्ता तैयार करती है, ठीक है। अब आपको बताइए, हम अपने बीच में भी रास्ता तैयार करते हैं ना, पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करते हैं? रास्ता तो तैयार करते हैं जनता के लिए। और देखो इसलिए देखो गोलजीकाय को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक हवलदार कहा जाता है, ठीक है। तो लिख लो, इसलिए इसे ट्रैफिक हवलदार कहा जाता है, ठीक है। आपको पूछे ट्रैफिक हवलदार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोटीन के लिए क्या करती है? रास्ता तैयार करती है, प्रोटीन को अंदर पहले आने देती है, ठीक है। इसको देखो एक बार, देखो एक बार दोबारा देखो, गोलजीकाय के कार्य क्या होते हैं? क्या होते हैं गोलजीकाय के कार्य? इसका देखो प्रमुख कार्य क्या करता है? ये स्त्रवण करता है, क्या? सिक्रेट करता है। दूसरा कार्य ये प्रोटीन तथा वसा को क्या करता है? पैकिंग करता है। प्रोटीन और वसा का क्या करता है? पैकिंग, ठीक है। इसी कोशिका का क्या कहते हैं? सफाई कर्मी। क्या कहा जाता है? कोशिका का सफाई कर्मी। यह प्रोटीन के लिए क्या करता है? रास्ता तैयार करता है, ठीक है। देखो फिर बात करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रैफिक हवलदार। क्या कहा जाता है? ट्रैफिक हवलदार, ठीक है। आगे देखो, देखो इसे देखो, आपने अपन क्वेश्चन आगे तो बढ़ रहे हैं। ये देखो गोलजीकाय को सभी कोशिकांगों की क्या कहा जाता है? मां। आपको पूछे कि सभी कोशिकांगों की मां कैसे कहा जाता है? गोलजीकाय को इसे सभी कोशिकाओं की मां कहा जाता है, ठीक है। आपको पूछे कि सभी कोशिकाओं की मां किसे कहा जाता है? गोलजीकाय को। अरे किसे कहा जाता है? गोलजीकाय को। देखो यह है लाइसोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। आगे बताऊंगा लाइसोसोम क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है? गोलजीकाय। कौन करता है? गोलजीकाय, ठीक है। सभी कोशिकाओं की मां किसे कहा जाता है? गोलजीकाय को। अरे किसे कहा जाता है? गोलजीकाय को। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोलजीकाय, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखो जो आपको पता है शुक्राणु,
शुक्राणु कैसा होता है देखो, शुक्राणु होता है ऐसा, ठीक है। शुक्राणु की ये टोपी होती है ना, टोपी, ये वाली टोपी है ना, शुक्राणु की टोपी। आपको पूछे शुक्राणु की टोपी को क्या कहा जाता है, एक्रोसोम। क्या कहा जाता है, एक्रोसोम, ठीक है। जो ये शुक्राणु की टोपी होती है ना, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। इस एक्रोसोम का भी निर्माण कौन करता है, गोल्जीकाय। कौन करता है, गोल्जीकाय। अरे कौन करता है, गोल्जीकाय एक्रोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, देखो जो शुक्राणु की टोपी होती है उस टोपी को बोलते हैं अपने एक्रोसोम। इस एक्रोसोम का भी निर्माण कौन करता है, गोल्जीकाय। कौन करता है, गोल्जीकाय, ठीक है। देखो इसको, देखो एक बार फिर, नहीं यार देखो, देखो अब बात करता हूं। देखो जो पादप कोशिका में, देखो कोशिका द्रव्य में जो विभाजन होता है ना, उस विभाजन के दौरान एक खांच, खांच का निर्माण होता है। क्या होता है, खांच का निर्माण। वो आगे बताऊंगा खांच, है ना। तो पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य में जो विभाजन होता है, उस विभाजन के दौरान एक खांच का निर्माण होता है, ठीक है। वो खांच का निर्माण भी कौन करता है, ये गोल्जीकाय करती है, ठीक है। तो लिख लो पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान खांच का निर्माण करता है, ठीक है। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान क्या करता है, खांच का निर्माण करता है। वो खांच का निर्माण भी कौन करता है, गोल्जीकाय। कौन करता है, गोल्जीकाय, ठीक है। इसको देखो एक बार, ठीक है। देखो दोबारा देखो, अपन बात करें गोल्जीकाय, इसे सभी कोशिकाओं को भी मां कहा जाता है। यह लाइसोसोम का क्या करता है, निर्माण करता है। शुक्राणु की टोपी एक्रोसोम का निर्माण करता है। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान क्या करता है, खांच का निर्माण करता है, ठीक है। और देखो एक और देख लो, देखो ये क्या करता है, जो कोशिका भित्ति होती है ना, अरे पादप कोशिका में तो होती है कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, संश्लेषण करता है, ठीक है। आपको पूछे कि कोशिका भित्ति में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कौन करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कौन करता है, गोल्जीकाय। अरे कौन करता है, गोल्जीकाय। देखो दोबारा से अपन बात करें गोल्जीकाय की, गोल्जीकाय की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। पादप कोशिकाओं में जो छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं उसे क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम। क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम। देखो गोल्जीकाय सिस्टेनी वेसिकल और ट्रिबुल से निर्मित होती है, ठीक है। जिन्हें क्या कहा जाता है, पीलियोमॉर्फिक, बहु आकार की कोशिकांग, ठीक है। बहु आकार की कोशिकांग किसे कहा जाता है, कैमिलो गोल्जीकाय को, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखो गोल्जीकाय के कार्य फड़े, ये क्या करता है, इसका प्रमुख कार्य होता है स्त्रवण करना, ठीक है। ये प्रोटीन तथा वसा का क्या करता है, पैकिंग। प्रोटीन के लिए क्या करता है, रास्ता तैयार करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्रैफिक हवलदार। क्या कहा जाता है, ट्रैफिक हवलदार, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रैफिक हवलदार किस कोशिका को कहा जाता है, गोल्जीकाय को। किसे कहा जाता है, गोल्जीकाय को। फिर बात की है कि सभी कोशिकाओं को की माप किसे कहा जाता है, गोल्जीकाय को। अरे किसे कहा जाता है, गोल्जीकाय को। किसे कहा जाता है, गोल्जीकाय को। फिर बात करते हैं, ये क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है, गोल्जीकाय। कौन करता है, गोल्जीकाय। फिर बात करते हैं, जो शुक्राणु की टोपी होती है उस शुक्राणु की टोपी को क्या कहा जाता है, एक्रोसोम। क्या कहा जाता है, एक्रोसोम। उसे एक्रोसोम का भी निर्माण कौन करता है, गोल्जीकाय। अरे कौन करता है, गोल्जीकाय। कौन करता है, गोल्जीकाय। फिर बात करते हैं, जो पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान
एक खाच उत्पन्न होती है, खाच का निर्माण होता है, खाच का निर्माण भी कौन करता है? गोल्जी का, कौन करता है? गोल्जी का। कोशिका भित्ति में जो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है वो भी कौन करता है? गोल्जी का, कौन करता है? गोल्जी का। ये हो गया गोल्जी का दहन। ठीक है, आज जो अपन दो क्वेश्चन फल लिए, कौन कौन से? एक तो फल लिया आपने ईआर और दूसरा फल लिया आपने गोल्जी का। तीसरा देखो, अरे मजा तो आ रहा ना, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है ना, देखो एकदम शानदार वाली तैयारी करो। तीन चार महीने आपको बताइए, एकदम शानदार मौका है अभी तैयारी करने का। जैसे ही अपन कोरोना से फ्री होंगे या इससे थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी तो आपको पता है बैक टू बैक एग्जाम लगेगी और आदमी को सोचने का मौका नहीं मिलेगा। और फिर वो होगा जाए और क्या हो जाएगा, वो बावड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बावड़ो। वो सोचोगे यार ये भी एग्जाम और ये लो गई सारी एग्जाम, क्या गई? आज से निकल गई। इसलिए आराम से मस्त वाली तैयारी करो, 7 या 8 घंटे आराम से पढ़ा करो। ठीक है, घर पे रहो, स्वस्थ हो एकदम मस्त तरीके से। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। ठीक है, देखो दोस्तों देखते हो आप इतने लोगों को, लेकिन सब्सक्राइब तो करते नहीं हो। सब्सक्राइब किया करो ना, ताकि हमें भी एनर्जी मिले, हमें भी अच्छा रेस्पॉन्स मिले। ताकि देखो अच्छा मतलब सब्सक्राइब करने से ये होता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, है ना, अच्छा प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, इसलिए आप मुझे एनर्जी दिया करो। मैं आप देखो आपके लिए आपको एनर्जी दे रहा हूँ, ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा नहीं। मेरा दावा है, आप कहीं भी कोई सी बुक ले लो, कोई सा भी ऑनलाइन कोचिंग ले लो, कोई सी भी ले लो, ये ऐसा कंटेंट मिलेगा नहीं आपको। आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो चेक कर लो, ठीक है, बस सर्च करना ही तो पड़ेगा आपको। ठीक है, इसलिए मेरे साथ बने रहो। ठीक है, और सब बाकी को भूल जाओ, बाकी सब मोमा है, ना मेरे को याद रखो। आगे देखो, देखो आगे बढ़ेगी रिक्ति का, रिक्ति का देखो रिक्ति का किस रहता देखो, यहां तो जमा रहता है जल। ठीक है, आपको कुछ देखो रिक्ति का प्रमुख कार्य होता है क्या? जल का इकट्ठा करना या जल को संग्रहण करके रखना। ठीक है, क्रिया क्या होते हैं? यहां होते स्त्रावी पदार्थ, ठीक है, फिर यह क्या होता है? यहां होते उत्सर्जी, उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, देखो जो ये बाहर वाली झिल्ली होती है, झिल्ली को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, टोनो प्लास्ट, इसके दो स्टार ही लगा देना। ठीक है, और ऊपर क्या जमा रहता है? एंथ्रो, साइनिन, एंथ्रोसाइनिन। देखो यहां से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। देखो अपन कौन सा कोशिका पढ़ रहे हैं? रिक्ति का। देखो पहला क्वेश्चन, जो रिक्ति का की बाहरी झिल्ली होती है उस झिल्ली को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। कौन सा? टोनोप्लास्ट। अरे कौन सा प्लास्ट है? टोनोप्लास्ट। रिक्ति का की बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। ठीक है, रिक्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है? जल का संग्रहण करके रखना। फिर देखो एंथ्रोसाइनिन क्या होता है? ये एक वर्णक होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण। ठीक है, तो देखो ये इसमें
एंथ्रोसाइनिक वर्णन देखो, एंथ्रोसाइनिक वर्णन देखो, ये क्या होता है, ये तो होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील अप्रकाशित वर्णक, ठीक है। देखो दूसरा कैसे आएगा कि जल में घुलनशील अप्रकाशित वर्णक किसे कहा जाता है, एंथ्रोसाइनिन को। यह कहां पाया जाता है, रिक्तिका में। देखो बात करते हैं, अप्रकाशित वर्णक क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। जल में तो घुलनशील होता है लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, ये कौन सा वर्णक होता है, एंथ्रोसाइनिन, ठीक है। रिक्तिका की बाहरी झिल्ली को क्या नाम देते हैं, टोनोप्लास्ट। कौन सा, टोनोप्लास्ट। फिर देखो इसमें क्या होता है, जल का संग्रहण होता है, ठीक है। देखो बरसात के दिनों में अपन तो जब चाहे जब क्या कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे देखो पादपों में तो क्या होती है, ये बड़ी होती है, और जानवरों में क्या होती है, ये छोटी। देखो जानवरों में छोटी क्यों होती है, देखो अपन भी तो जानवर ही है, सबसे बड़ी जानवर कौन है, इंसान ही है। तो देखो इंसान तो जब चाहे जब पानी पी सकता है, ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे कब पीते हैं, जब बरसात आती है तभी तो पीते हैं ना। तो देखो पेड़ पौधों में दिखते क्या क्या होती है, बड़ी क्यों होती है, ताकि बरसात के दिनों में पानी आई और पानी में क्या करूं, जमा करके रखू एक साथ ही, ठीक है। इसलिए पादपों में तो क्या होती है, रिक्तिका बड़ी, और इसका प्रमुख कार्य भी क्या होता है, जल का संग्रहण करके रखना। इसको देखो एक बार, देखो अभी इसको लिख लो, है ना, जो समझाया वो लिख लो। समझाया क्या था कि रिक्तिका की बाहरी झिल्ली को क्या नाम देते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। एंथ्रोसाइनिन वर्णक किस में पाया जाता है, रिक्तिका में। ये क्या होता है, जल में तो घुलनशील लेकिन क्या होता है, अप्रकाशिक वर्णक। अप्रकाशिक बोले तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। फिर ये क्या, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, जल का संग्रहण करके रखना। इसमें देखो उत्सर्जी पदार्थ भी पाए जाते हैं, इस तरह भी पदार्थ भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसको लिख लो एक बार सभी के रूप में, देखो इसकी बाहरी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। रिक्तिका की बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट। देखो फिर इसमें या फिर इसका प्रमुख कार्य जल का संग्रहण करके रखना, ठीक है। देखो इसमें उत्सर्जी पदार्थ पदार्थ और जल में घुलनशील पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। लिख लेना आप, इसमें उत्सर्जी पदार्थ, इस तरह के पदार्थ, जल में घुलनशील पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। देखो अपन बात करें रिक्तिका की, देखो इसमें आगे वो लिख लो, पादप कोशिका में क्या होती है, ये बड़ी, बड़ी होती है, और जंतु कोशिका में क्या होती है, ये छोटी। ठीक है, पादप कोशिका में तो बड़ी लेकिन जंतु कोशिका में क्या होती है, छोटी। इसको देखो एक बार,
ठीक है। देखो अपन कौन सा कोशिकांग पढ़ रहे हैं, रिक्ति का, कौन सा पढ़ रहे हैं, रिक्ति का। देखो रिक्ति का की बाहरी झिल्ली को क्या नाम देते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं, टोनोप्लास्ट। फिर इसमें देखो स्त्रावी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और जल में घुलनशील लेकिन अप्रकाशित क्या होते हैं, वर्णक पाया जाता है, कौन सा, एंथ्रोसायनिन। ठीक है, फिर बात करते हैं पादप कोशिका में तो क्या होती है, बड़ी, लेकिन जंतु कोशिका में क्या होती है, छोटी। ये इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, जल का संग्रहण करके रखना। फिर बात करते हैं देखो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अलावा भी क्या होती है, रिक्तिकाएं होती है, कौन कौन सी होती है, देखो फिर तीन प्रकार से होती है, कौन कौन सी, देखो एक तो होती है खाद्य रिक्तिका, एक होती है खाद्य रिक्तिका, दूसरी कौन सी होती है, गैस रिक्तिका, तीसरी कौन सी होती है, संकुचनशील रिक्तिका। ठीक है, देखो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अलावा भी तीन प्रकार से क्या होती है, रिक्तिका। पहली कौन सी, खाद्य रिक्तिका, दूसरी गैस रिक्तिका, तीसरी संकुचनशील रिक्तिका। ठीक है, देखो खाद्य रिक्तिका कहां, किस में पाई जाती है, अमीबा में, किस में पाई जाती है, अमीबा में। ठीक है, देखो ये क्या कार्य करती है, ये भी क्या करती है, भोजन का संग्रहण करके रखती है, भोजन का संग्रहण करके रखती है। आपको पूछ की खाद्य रिक्तिका क्या करती है, भोजन का संग्रहण करके रखती है, इसमें पाई जाती है वो अमीबा में, इसमें पाई जाती है अमीबा में। ठीक है, फिर गैस रिक्तिका की बात करते हैं, ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है नीलारित शैवाल में, किस में पाई जाती है, नीलारित शैवाल में। ठीक है, देखो फिर नीलारित शैवाल को इसका दूसरा नाम क्या होता है, साइनो बैक्टीरिया। अब देखो ये क्या करती है, देखो नीलहरित शैवाल आपको बताए पानी में रहती है, पानी में देखो बड़े बड़े तालाबों में ऊपर तैरती रहती है ना नील, है ना, तो देखो वो नील ऊपर क्यों तैरती रहती है, ये देखो गैस रिक्तिका होती है, क्यों, क्योंकि आपको एक एक बल खड़ा होगा ना, उत्प्लावन का बल, नीचे से पानी ऊपर खींच दाब लगता है। ठीक है, अरे कुएं से बाल्टी निकालते हैं ना तब ऊपर से धक्का लगता है ना, तो नीचे से एक बल लगता है, उस बल को क्या बोलते हैं, उत्प्लावन का। ठीक है, तो ये क्या करता है, उत्प्लावन उत्प्लावनता देता है। ठीक है, क्या करता है, उत्प्लावनता देता है। फिर संकुचनशील की बात करते हैं, ये क्या करता है, ये शुद्ध पानी में होती है। ठीक है, देखो शुद्ध पानी में कौन, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, शुद्ध पानी में कौन, प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ क्या कार्य क्या करता है, ये देखो प्रासरणीय, प्रासरणीय क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ठीक है, हल्का फुल्का ध्यान रखना ना, एग्जाम क्वेश्चन पूछ ले तो कर देना। देखो रिक्तिका के अलावा तीन रिक्तिकाएं होती है, खाद्य रिक्तिका, गैस रिक्तिका और संकुचनशील रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका किस में पाई जाती है, अमीबा में, किस में पाई जाती है, अमीबा में। ठीक है, फिर ये क्या करती है, भोजन का संग्रहण करती है। फिर गैसीय रिक्तिका, देखो गैसीय रिक्तिका कहाँ पाई जाती है, नीलारित शैवाल में, ये क्या करता है, उत्प्लावनता देता है। ठीक है, फिर तीसरी संकुचनशील रिक्तिका, ये किस में पाई जाती है, प्रोटोजोआ में, ये क्या करता है, प्रासरणीय क्रिया को नियंत्रित करता है। देखो दोस्तों आज अपन ने कौन कौन से क्वेश्चन आप पढ़े, आज पढ़े अपन ने देखो ईआर, दूसरा गालजिकाई, तीसरा रिक्तिका। ठीक है, अगर देखो एकदम शानदार तरीके से पढ़ा हूँ, माइंड में सेट हो गया होगा। ठीक है, आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना तो नहीं भूले, और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। ठीक है, आज के लिए यही, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।